तो वेलकम 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 गाइज, हम पहुंच चुके हैं अभी हरिद्वार गांव घाट पे और ये सामने है गंगा। आप देख सकते हैं धार कितना तेज है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ और रात के अभी बज चुके हैं लगभग 12:30। चलिए रात का थोड़ा सा सीन देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए गाइज, अभी मैं हरिद्वार में गांव घाट के मतलब यहाँ पे बगल बगल में बहुत सारे घाट के नाम हैं और मैं यहाँ पे हूँ और गंगा नदी हरिद्वार में आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा अभी मिट्टी टाइप का है। बाकी यही है, आप धार देख सकते हैं कितना तेज है। फिलहाल ये देखिए ये सीन है कुछ इस प्रकार का, पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। रात के 12:30 बज चुके हैं लेकिन अभी भी सीन आप यहां का देख सकते हैं। बारह 12:30 बजे का समय है, अभी भी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रात भर यहाँ पे लोग रहते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ गंजी पहने हुआ हूँ और ये भी चीज़ दिखाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैंने अपना जो पहला टेंट है ये लगा लिया है और इसके ऊपर कपड़ा भी सूख रहा है। अभी मैंने गंगा जी में नहाया है, देख रहे हैं कि इधर गंगा जी बह रही है, धारा इतना तेज है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, चिल्ड वाटर से भी ठंडा है। नहाने के बाद सारा थकावट दूर हो जाता है दोस्तों। अभी रात के 2:30 हैं, मैं यहाँ पे नहा लिया हूँ और यहाँ पे मैंने अपना कैंप लगा लिया है। कैंप के अंदर का भी सीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला बार था। चलिए कैंप के अंदर चलते हैं। ये हुआ मेरा पोर्टेबल घर। वाह, ये देखिए फर्स्ट टाइम हरिद्वार में मैंने कैंप लगाया है और ये देखिए अंदर का सीन। अंदर कुछ इस प्रकार से सीन है, लाइट को थोड़ा इस प्रकार से मैं करूं तो आप देख सकते हैं इस तरह का सीन है। बहुत अच्छा है, अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, सारा सामान है अभी इधर। ठीक है दोस्तों, बाहर से मैं टेंट का सीन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डीकैथलॉन का टेंट है 2 पर्सन वाला और इस पर मैं टेंट लगाने का इसका दो उपयोग में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा भी सूखने के लिए दिया है क्योंकि कल निकलना है केदारनाथ के लिए। और ये कुछ इस प्रकार का सीन है, बहुत लेट हो गया है, सोना भी ज़रूरी है, उसके बाद निकलना है केदारनाथ। चलिए तो मिलते हैं सुबह 5 बजे। तो भाई रात में मैंने आपको यहीं का सीन दिखाया था, ये देखिए अभी। और भाई ये देखो कितना सुंदर पहाड़ है, वाह क्या बात है। अगर मैं आपको पहाड़ के उस तरफ कुछ दिखाऊं तो आप देखने की कोशिश करिए, वो जो डोली जाता है वहाँ पे वो आपको दिखेगा। ये देखिए छोटे छोटे हैं, और थोड़ा जूम मैं करता हूँ वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको अब दिख गया होगा पहाड़ों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए ये वाला जो यातायात का साधन है उसे प्रयोग करते हैं। इसका नाम अभी मैं नहीं जान रहा हूँ और आप बताएं कमेंट बॉक्स में इसका क्या नाम है। यहाँ ऊपर जो माता जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए व्यवस्था है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, तो एक नंबर लगता होगा जब लोग ऊपर नीचे इसे कर रहे होंगे। तो फिलहाल दोस्तों और यही है हरिद्वार, देवभूमि हरिद्वार और गंगा जी चारों तरफ इतना अच्छा व्यवस्था कि लाखों करोड़ों लोग भी अगर आकर के नहाएं तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भीड़ हमेशा रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का धारा कितना ज़्यादा है, यहीं पे मैंने भी स्नान किया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पानी का धारा, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ और यहाँ पे बहुत तगड़ा बारिश शुरू हो गया है। अभी ऋषिकेश जाने ही वाला था लेकिन ये देखिए इतना ज़्यादा तगड़ा बारिश यहाँ पे हो रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता।
भाई इतना तेज नदी का धारा, ऊपर से इतना तेज बारिश, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ठहरने का कोई ज़्यादा व्यवस्था है ही नहीं, बारिश बहुत तेज हो चुका है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है दोस्तों। और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं हरिद्वार में ही हूँ, अभी तो बहुत लंबा दूरी तय करना है। और इधर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वाला टेम्परेचर है, 25 से 28 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर है, लगभग हमारे यहाँ जो ठंड का होता है लगभग वो उस टाइप का है। मैं घाट पे हूँ और यहाँ पे देखिए कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, देखते हैं सामान बच पाता है या नहीं। फिर भी बारिश में भी यहाँ पे देखिए सब लोग जो हैं पूरा एंजॉय करके स्नान कर रहे हैं। आवाज़ भी मेरा सही से आ पा रहा होगा या नहीं ये देखिए, मैंने तो सोचा था सब कुछ दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला बारिश शुरू हो गया है और वो ख़त्म हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं दिख रहा जहाँ पे लोग नहीं हो, जहाँ पर जा कर के रुका जाए थोड़ा देर के लिए। और सामान भी मेरा 50-60 लीटर का है, तो आप समझ सकते हैं कितना वजन है, और वो मैं ले कर के अभी खड़ा हूँ। तो देखिए इस प्रकार का माहौल है अभी बारिश में। यहाँ पर पानी इतना ठंडा है, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। फिर भी अगर नारियल इसमें कोई फेंकता है तो उसको छानने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो कूद जाते हैं। ये सीन मैं हरिद्वार का आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लोग किस प्रकार से प्लास्टिक लेकर के बचते हुए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है बारिश, बाकी 10 मिनट पहले बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और मैं भी ये बारिश में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए कहीं जाने का जगह अगर मिलता है तो वही देखता हूँ। देखिए मेरा जूता भी भींग गया है और मेरे पास चप्पल है नहीं, क्या करना है, अब तो बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई जब मैं हरिद्वार में खाना खा रहा हूँ, 70 रुपये में मिला है दाल चावल सिर्फ, और थोड़ा सा प्याज रिक्वेस्ट करने पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी आराम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सब सामान थोड़ा सा रखे हैं, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं देवभूमि हरिद्वार और मैं यहाँ पुल पे हूँ, और नीचे का नज़ारा देखिए दोस्तों, जहाँ तक आपको नज़र आएगा घाट पे, इस बारिश में भी लोग स्नान कर रहे हैं गंगा जी का, आप देख सकते हैं, वाह क्या बात है। थोड़ा सा नज़ारा मैं उधर का भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंदिर है और ये घाट है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, ये सीन मैं आपको पुल से दिखा रहा हूँ, दोनों ओर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का कुछ सीन है, और ये सीन मैं आपको हरिद्वार का लाइव दिखा रहा हूँ। और अभी हल्की फुल्की अभी बारिश हो रही है, बारिश थोड़ा तेज था, कम हो गया है। और पानी की धार को आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेज है दोस्तों, वहाँ पे देखिए लोग को सीकड़ को पकड़ करके यहाँ पे नहाना पड़ता है, बिना पकड़े हुए कोई नहा नहीं सकते हैं, जहाँ पे धार तेज हो जाता है। आप देखिए यही कुछ सीन है, और बारिश यहाँ पर तेज होते हुए, लेकिन इस धार में भी लोग कुछ लोग तैर करके नारियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ हरिद्वार देव भूमि हरिद्वार का, और उनके उस साइड का भी सीन मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों तरफ का। तो देखिए अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, यही है हरिद्वार, आप देख सकते हैं, जी हाँ हरिद्वार, वहाँ पे पुल का आप धारा देख सकते हैं कितना तेज है, बीच में भी जाने का रास्ता आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये अभी समय हुआ है 10 बजा है, अभी दिन के 10 बजा है, और इस प्रकार का भीड़ यहाँ पे जमा हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बारिश तेज हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए पार्ट को जरूर देखिए दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।